मैं जुबैर अशरफी तेज दुनिया न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। लॉकडाउन खुलने के बाद सेंधवा के मैकेनिक नगर में ऑटो गैरेज खुले तो हमने वहां पहुंचकर गैरेज पर काम करने वाले मैकेनिक को व ट्रांसपोर्टरों एवं मोटर मालिकों से बात कर उनके हालात जानना चाहे। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से हमारे रोजगार पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तेज दुनिया न्यूज़ की खास पेशकश जनता की आवाज़ से जुड़कर मोटर व्यवसायों से जुड़े लोगों ने अपनी बात रखी। कोरोना संक्रमण ने पूरी दुनिया भर में कहर ढाया है। इस आपदा में कई लोगों ने अवसर खोजे तो कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया, कोई कर्ज में डूबा तो कोई कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। सेंधवा शहर के मैकेनिक नगर में स्थित गैरेज संचालक व मोटर व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी। उनका रोजगार काफ़ी कम हो गया है। मजदूर वर्ग में भी बेरोजगारी बढ़ी है। जिस गैरेज पर 8 लोग काम करते थे अब वहां पर 3 लोग काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्लामुद्दीन है और तो बबलू। मेरा ट्रक बाल्डी का कारखाना है हाजी कमाल बाल्डी बिल्डर के नाम से मैकेन नगर में। और मेरे यहाँ पे मतलब ये लॉकडाउन की वजह से इतनी परेशानी आ गई है। मेरे कम से कम 40 से 45 मजदूर काम करते थे, उनका रोजगार छिन गया। मेरे बिल भरने की आफत हो रही है। मेरा खुद का कारखाना मतलब मेरे को खुद परेशानी इतनी आ रही है कि मेरा खुद का घर चलाना मुश्किल हो गया। तो ये लॉकडाउन की वजह से कभी भी 5 दिन का लग जाता है, कभी 2 दिन का लग जाता है, कभी 3 दिन का लग जाता है। मैं गाड़ी भी लगाऊँ भी तो क्या जुबान से लगाऊँ। ये प्रशासन का कोई ठिकाना ही नहीं है। कभी भी मीटिंग करके और लॉकडाउन लगा देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आज लॉकडाउन, अपन ग्राहक को क्या जीवान देंगे? अब ये ट्रक है जो किस्त वाली गाड़ियाँ रहती है तो इनको जीवान देना पड़ती है। 15 दिन में बनाना है कि 10 दिन में बनाना है। फिर इंदौर में भी कभी भी लॉकडाउन लग जाता है, वहाँ से मटेरियल आता है और कभी इधर महाराष्ट्र से भी आता है। तो अब ये मेरे को तो इतनी परेशानी आ रही है, मैं गाड़ी भी नहीं लगा सकता। गोपाल कमानी और सेवी रोड सेंधवा मध्य प्रदेश। लॉकडाउन की वजह से कोई परेशानी हुई? बहुत परेशानी है। अभी तो काम धंधे की व्यवस्था पूरी चौपट है, काम धंधा है नहीं बिल्कुल भी। पगार ही निकल नहीं रही, घर चलाना मुश्किल चल रहा है। अभी तो बहुत हालत ख़राब है, स्थिति बहुत व्यवस्था ख़राब कर दी पूरी। अच्छा, प्रशासन से कोई मांग है? क्या मांग है? प्रशासन ही नहीं कोई सुनवाई कर रही है। प्रशासन उल्टी मारने को दौड़ रही है, दुकान खोलो तो लॉकडाउन के अंदर। परेशानी तो बहुत तरीके की आई है, इस काम धंधे की परेशानी है। और अपन जैसे मजदूरों को मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं, खुद की अपनी मजदूरी की आफत है। और फिर उस दौरान एक आध गाड़ी का काम करने में चोरी हो गई टायरों की दो, फिर बिजली के बिल 4-4 महीने के चढ़ गए हैं हमारे ऊपर। गाड़ी खड़ी करने में डर है और कोई फैसिलिटी और कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ की, इसकी वजह से ना अपन कुछ काम धंधा कर सकते हैं। और ज़रा अपन काम खोलो तो कोई भी आके परेशान करता है। हर चीज़ के ने लॉकडाउन की वजह से परेशानी है। लॉकडाउन के कारण हमको बहुत परेशानी झेलना पड़ रही है। 75 से 80% हमारा धंधा पिटाया और धंधे में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और डीजल के भाव हर महीने हर दिन रोज़ बढ़ रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहा है। और गाड़ी कुछ भी पैसा नहीं कमा रही है। कम से कम पहले और अभी के धंधे में, जैसे पहले हमारी गाड़ी बॉम्बे जाती थी, बॉम्बे से इंदौर आती थी तो हमको 20,000 रुपये चक्कर के बचते थे, अब बच रहे हैं 7 से 8 हज़ार रुपये। उसमें गाड़ी का मेंटेनेंस भी नहीं निकले जा रहा है। क्या नाम है आपका? राकेश चौहान। काय का गैरेज आपका? अपना बिलोरो पिकअप का काम का गैरेज है। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से कोई गैरेज से काम धंधे में प्रभाव पड़ा? लॉकडाउन की वजह से काम धंधा बिल्कुल व्यस्त हो, काम धंधा है नहीं। और हमारे पास 4-5 मजदूर है, उनकी पगारें नहीं निकल रही है, हमारे भी परेशानी आ रही है। और लॉकडाउन घड़ी घड़ी लगता है, उससे गाड़ियाँ भी इधर उधर हो गई है हमारी, और काम धंधे बिल्कुल ही नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। और बच्चों की पगारें वगैरह ये वो नहीं निकल रही है, उससे हालत घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया हमारा। क्या नाम है आपका? गणपत पेंटर कुशवा। पेंटर की गाड़ी पे कलर करता स्प्रे पेंटर। लॉकडाउन की वजह से कोई परेशानी हुई? बहुत परेशानी हुई, काम धंधे नहीं चल रहे, इधर उधर से कर्जा करके खा रहे। परेशानी जमाने भर की, त्यौहार वार भी नहीं हो रहे, सब बच्चे लोग सब घर बैठे हुए, सब
पूरी जवाबदारी मेरे घर सर के ऊपर है। जैसे जैसे अपन टाइम पास कर रहे, इधर लाओ उधार, उधर लाओ उधार, अभी लोगों का पैसा भी नहीं दिवा रहा।